नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत में। राकेश, बिहार सरकार ने गवाहों की सुरक्षा को लेकर सुनिश्चित करने के लिए एक योजना लाई है। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में बिहार गवाह सुरक्षा योजना 2018 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति के बाद अब गवाह की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह है कि इसमें गवाह के साथ साथ गवाह के परिवार वालों को भी सुरक्षा दी जाएगी और सुरक्षा पूरी तरीके से सुनिश्चित की जाएगी। मकसद है इस केस के ट्रायल सफलतापूर्वक हो और गवाह कोर्ट में बेधड़क गवाही दे सके। इसके पहले गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं थी और गवाहों पर कभी भी हमले हो जाते थे। इसे देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला और बड़ी योजना लाया है इस गवाहों की सुरक्षा को लेकर। बिहार में गवाही सुरक्षा योजना अब लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में गवाही सुरक्षा योजना 2018 समेत 19 एजेंडों पर सरकार की मुहर लग गई है। अधिसूचना के साथ ही योजना लागू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने योजना में गवाहों के साथ जरूरत के अनुसार पूरे परिवार की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए हैं। सरकार की कोशिश है कि मुकदमों में ट्रायल सफलतापूर्वक हो और गवाह कोर्ट में बेधड़क गवाही दे सके। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने बताया कि बिहार गवाह सुरक्षा योजना 2018 की स्वीकृति मिली है। योजना से गवाहों को पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय प्रावधान के तहत कोष की स्थापना की जाएगी। कोष में राज्य सरकार राशि जमा करेगी। बकौल आमिर सुभानी, गवाह पूरी तरह से सुरक्षित रहे इसे लेकर कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई गवाह खतरे का अंदेशा जताकर शिकायत करता है तो प्रशासन तत्काल कार्रवाई करेगा। योजना में गवाह के अलावा पूरे घर के अगल बगल सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं। घर पर पुलिस की तैनाती की जा सकती है। गवाह की पहचान छुपाने का प्रावधान किया गया है। अगर गवाह को किसी प्रकार का खतरा हो तो उसके लिए एक पुलिसकर्मी को खास जिम्मेदारी दी जाएगी जो लगातार उसकी निगरानी करेगा। फिर भी अगर खतरा है तो दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर भी दिया जा सकता है। अगर गवाह कोर्ट रूम में अभियुक्त के सामने गवाही देने से कतराता हो तो उसका व्यक्तिगत विचारण कक्ष में न्यायाधीश के सामने गवाही कराई जा सकती है। अधिक विवाद की स्थिति में कोशिश होगी कि कोर्ट में भी गवाह और अभियुक्त का आमना सामना नहीं कराया जाए। सरकार की कोशिश होगी कि गवाह निर्भय होकर गवाही दे, इससे अपराधी को सजा दिलाने में कामयाबी मिलेगी। तो गवाह सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। देखना ये अहम होगा कि ये कब से लागू हो पाता है और क्या सरकार का ये योजना किस हद तक कामगार और किस हद तक सफलतापूर्वक साबित हो पाता है, ये देखना अहम होगा। फिलहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोज को अप्लाई करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।